महादेव मंदिर में रुकने के कोई चार्जेस नहीं है। ये है मंदिर का रास्ता। अब चलते हैं माया देवी मंदिर, जो मनसा देवी मंदिर से थोड़ा सा करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, पास ही है। हरिद्वार में त्रिदेव वास करते हैं। मोक्ष की नगरी हरिद्वार में माता सती का शक्तिपीठ है। यह माया देवी शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ सती की नाभि गिरी थी। माया देवी शक्तिपीठ से ही समस्त शक्तिपीठों की उत्पत्ति हुई है। यह मंदिर माता सती के 51 शक्तिपीठों में से प्रथम शक्तिपीठ है। पोस्ट ऑफिस चौक के पास गली में जाके है माया देवी का मंदिर। यह मंदिर मनसा माता मंदिर से करीब 2 किलोमीटर व हर की पौड़ी से करीब 3 किलोमीटर दूर है। वह ई रिक्शा व ऑटो से यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। पास वाली गली में जाना है। मैं माया देवी माता के दर्शन करने जा रहा था, तो बीच में मुझे एक जूना अखाड़ा भवन मिला। बहुत ही अच्छा जगह है रुकने के लिए हरिद्वार में। लिफ्ट भी है यहाँ पर? हाँ, लिफ्ट भी है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब मिलता है यहाँ पर। एसी भी है कमरे में और डबल बेड है। कमरा साफ सुथरा है। ये बड़ी तरह नहीं और इस पे गीजर भी लगा हुआ है और लेट बाथ भी साफ ही है। साफ है बिल्कुल। ये 4 बेड का है मतलब, तो 4 बेड और इसमें भी एसी लगा हुआ है, पंखा है। अच्छा, इसमें टीवी भी है? टीवी उसमें नहीं था ना। गीजर भी है, नया ही बनाया किसी ने कमरा है ना। लेट बाथ सब साफ सुथरे हैं। हाँ, डबल बेड की क्या रेट है रूम की? 800 रुपये है। और 4 बेड की? 4 बेड का 1200 रुपये। 1200 रुपये। और सीजन के अंदर? सीजन के अंदर तो 1500, 1600, 1800 जैसा अपने। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी काफी जगह है। ये जो मैं आपको बिल्डिंग दिखा रहा हूँ, ये अंदर की बिल्डिंगे हैं। यहाँ पर रुकने के लिए सैकड़ों कमरे हैं। काफी बड़ा है जूना अखाड़ा भवन। कौन से बुकिंग आती है? ऑनलाइन बुकिंग आती है और पेमेंट देना पड़ता है एक दिन का? पेमेंट एडवांस पेमेंट देना पड़ता है एक दिन का? एडवांस भेजना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, थैंक यू भाई साहब। जूना अखाड़ा भवन के बिल्कुल पास में ही जाके है, 10 मिनट मुश्किल से 50 मिनट की दूरी पर है माया देवी माता का मंदिर। ये अंदर से रास्ता आता है किसका? जूना अखाड़ा भवन से रास्ता आता है इसका? कुछ हाथ लेते हैं पहले। अच्छा, रुकने का भी है। अधिष्ठाती माया देवी मंदिर, भैरव अखाड़ा। और रुकने के लिए रूम भी मिल जाते हैं यहाँ पर। माँ माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इस स्थान पर धार्मिक अनुष्ठान के साथ तंत्र साधना भी की जाती है। हरिद्वार में माँ भगवती की नाभि गिरी थी। इस स्थान को ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है। हरिद्वार में माँ सती का हृदय तो नाभि गिरी थी। माता माया 3 सिर व 4 भुजाओं वाली देवी है। यह हरिद्वार के 3 प्राचीन मंदिरों में से एक है। गर्भगृह में माया देवी, माँ काली व दाई और कामाख्या देवी के विग्रह हैं। माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव को नहीं बुलाए जाने से अपमानित होने पर योगाग्नि में खुद को भस्म कर लिया था। अपने शरीर को वहीं सती कुंड में छोड़कर महामाया के रूप में इसी स्थान पर आ गई थी।
इसलिए इस जगह का नाम माया देवी पड़ा। इसके बाद से ही हरिद्वार को भी मायापुरी के नाम से जाना जाने लगा और यह स्थान देश की सात पुरियों में शामिल हो गया। श्री दत्तात्रेय चरण पादुका, भगवान दत्तात्रेय का है। मायादेवी मंदिर में रुकने के कोई चार्जेस नहीं है, जितने आपकी इच्छा उतना देकर आप यहाँ पर कमरा ले सकते हैं। मंदिर के ठीक सामने गीता भवन, यहाँ पर चलकर भगवान श्री हरि के दर्शन करते हैं।